हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और आज मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, हेयर मास्क जो कि ऑयली भी नहीं है और आप डेली यूज़ कर सकते हो इसको। तो मैंने पहले एलोवेरा जेल लिया है और फिर लिया है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल और ये है कोकोनट ऑयल। जो जो रिक्वायरमेंट हैं इसमें वो मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या चाहिए इसमें। तो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल और ये भी जो है ये भी एसेंशियल ऑयल है हेयर्स के लिए। तो मैंने एलोवेरा जेल ले लिया इसमें 2 स्पून। तो आप अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आप ये मास्क बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम लेंगे 2 स्पून कोकोनट ऑयल, फिर उसके बाद हम लेंगे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल और इसके हम 4-5 ड्रॉप्स इसमें डालेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। आप भी मंगा करके रख लीजिए, ये हेयर्स में बहुत इफ़ेक्टिव है। और अब मैं ये हेयर का जो दूसरे वाला एसेंशियल ऑयल है ये डाल रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपके हेयर्स के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ड्राइनेस, डलनेस और डैंड्रफ, ये सब चीज़ें आपके स्प्लिट जो हो जाते हैं हेयर्स, ये सब दूर कर देगा। विटामिन ई के कैप्सूल हम यूज़ करेंगे इसमें। मैंने अभी 1 ही लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और हम इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इतना फेंटना है हमें इसको, इतना फेंटना है कि ये क्रीमी फॉर्म में बन जाएगा। आप खुद देख रहे हैं, ये थोड़ा सा घुमाने पर भी देखो इसका कलर चेंज हो गया, पहले कैसा कलर था और अब कैसा हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपके पास जो भी एलोवेरा जेल है आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है ट्रांसपेरेंट वाला होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना प्यारा टेक्सचर आया है इसका, एकदम क्रीमी फॉर्म में बन गया है। इसका मन कर रहा था मेरा तो कि इसको फेस पे भी लगा लूँ, और बस इसमें जो हेयर वाला एसेंशियल ऑयल है वो थोड़ा सा वो फेस के लिए नहीं है, नहीं तो मैं इसको फेस पे भी लगा लेती। बहुत ही प्यारी क्रीम बनी है और आपके साथ मैं फेस की क्रीम्स वगैरह भी शेयर करूँगी जो मैं होम मेड DIYs बनाती हूँ। और ये जो मास्क है आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबको प्रॉब्लम रहती है कि रात को हम ऑयल कैसे लगा के रखें और नहीं होता टाइम। देखो आजकल सबके बिज़ी शेड्यूल है, बिज़ी लाइफ है, सो नहीं हो पाता है कई बार। तो आप जो ये मास्क है ये इसको बना करके आप स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज में आप रख लीजिए, आप 1 वीक तक इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना आपको यूज़ करना उतना साथ साथ बना लो आप, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। और ये हेयर्स की सभी प्रॉब्लम्स आपकी दूर कर देगा और इतने सॉफ्ट हेयर्स हो जाते हैं इसको लगाने के बाद, सॉफ्ट भी, स्ट्रेट भी, और बहुत ही प्यारे हेयर्स हो जाते हैं। और इनकी स्मेल इतनी प्यारी आती है ना, आपको शैम्पू की स्मेल भी भूल जाओगे आप, इतनी प्यारी फ्रेगनेंस आती है हेयर्स में से, बहुत अच्छी। और क्योंकि इसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हेयर्स के लिए और खुशबू भी बहुत प्यारी होती है इसकी, आप ज़रूर यूज़ करना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना है कि आपने मेरी वीडियो को देख करके आपने ये रेमेडी यूज़ करी है या नहीं, आपको इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं। तो अब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा पार्टीशन करके आप इसको स्कैल्प पर लगाइए और अच्छे अच्छे हल्की हल्की सी मसाज करिए। तो पूरे हेयर्स में आपको जैसे स्कैल्प पर लगाते लगाते लेंथ वाइज लेके जाना है, और इस टाइप से जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आपको पूरे हेयर्स में आपको ये लगाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप जब यूज़ करेंगे आप खुद सोचेंगे कि इतना मतलब अच्छा इफ़ेक्ट दिया है और आपके हेयर इतने प्यारे स्मूथ हो जाएंगे। आप इतना पैसा खर्च करते हैं पार्लर में जाके, तो क्यों ना हम घर में घर बैठे हम रेमेडीज़ को यूज़ करें और अपने हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ाएं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं मेरी हेयर की लेंथ कितनी है, मेरे और भी लेंथी हेयर्स थे, मैंने खुद कट करे हैं बट मेरे बहुत ही लेंथी थे और मेरे और भी लेंथ बढ़ती रहती है। तो किस कारण बढ़ती है, वो इसी कारण बढ़ती है, मैं होममेड रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, हेयर ऑयल्स यूज़ करती हूँ। और अगर आप मेरे खुद के बनाए हुए होममेड हेयर ऑयल्स भी अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टा पर DM कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ से इसके पूरी डिटेल आपको दे दूँगी। और आप मेरे जो हेयर ऑयल्स हैं वो भी आप मंगा सकते हैं घर बैठे, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आप एक बार यूज़ करेंगे आप खुद कहेंगे आकर के कि हाँ बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स ने यूज़ करा है और वो कर भी रहे हैं, और मैं सबको भेजती भी हूँ ऑयल्स, काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे, तो उनको बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब असर अच्छा इफ़ेक्ट हुआ है उनके हेयर्स में। उनके जिनके बाल बहुत छोटे थे उनकी भी ग्रोथ भी आने लगी है, लंबे भी होने लगे हैं, घने भी होने लगे हैं, बल्कि प्रीमेच्योर जो हेयर्स होते हैं वो भी
आने लगे हैं और छोटे छोटे हेयर्स जो हमारे आते हैं बेबी हेयर्स, तो यानी कि हमारी हेयर्स की ग्रोथ हो रही है, तो उससे पता चल जाता है कि हमारे हेयर्स की ग्रोथ हो रही है। बट ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम यूज़ करें फिर दो टाइम बस, और फिर आप कहें कि हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, इफेक्ट ही नहीं हुआ है, मतलब कुछ असर ही नहीं हुआ है हमारे बालों में, तो ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर कम से कम 1 मंथ और 2 मंथ तो यूज़ करके देखनी चाहिए कोई भी चीज़, और अगर रिएक्शन करती है, कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो हेल्थ से हेल्थ इशू भी हो सकता है, कई बार हेल्थ इशू की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो आपकी सभी समस्याओं का निजात आपको यहीं पर मिलेगा, और आप ये यूज़ करिए, बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ हैं। और मेरे चैनल पर काफ़ी सारे रेमेडीज़ हैं, हेयर ऑयल हैं, मास्क है, तो आप लोग ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपने यूज़ करा है, आपको कैसा लगा है, और आप किस टाइप के और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं रिक्वेस्टेड वीडियोज़ आपकी बनाती रहती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया बीच बीच में, तो थोड़ा लेट आ रही है मेरी वीडियोज़, तो सॉरी उसके लिए, बट अब रेगुलर आएंगी मेरी वीडियोज़। और आप ज़रूर शेयर करना कि आप किस टाइप के वीडियोज़ चाहते हैं, मैं उसी टाइप के आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी। काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियोस भी पेंडिंग हैं जो कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि करना नहीं है, करनी है। और आप भी ज़रूर बताना कि आप लोग को नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टाइप की चाहिए, और आप किस टाइप की देखना पसंद करेंगे वीडियोस। तो हेयर से रिलेटेड तो देखो मैंने अब पूरा आपको बता दिया डिटेल, और मैंने मास्क भी लगा लिया है पूरा हेयर्स में, और मैंने पूरा ओवरनाइट इसको रखा है, और मेरे को कुछ भी चिपचिपा टाइप का नहीं लगा, जैसे कि गर्मियाँ हैं चिपचिप लगता है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा। और ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का वीडियो है, और मैंने हेयर वॉश करके आई हूँ, और आप खुद देख सकते हैं, देखिए कितने प्यारे स्मूथ मेरे हेयर्स हो गए हैं, और बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं हेयर्स। सो आप ज़रूर ट्राई करिए, और नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको ये रेमेडी ट्राई करके फिर आपको दोबारा मेरे चैनल पर आना है, और आपको कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा, और इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी आती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना।